Osa! Osa, my friend! एक बाइक की मैंने 7 लाख 80,000 से दे दिए है, 8,000 रुपए की 1.5 लीटर की बॉटल है, बट ये कॉफ़ी तो मैं भी नहीं पी सकता, इससे खतरनाक कॉफ़ी मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखी। नो कैमरा, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी हमें सेमिनाक में एक प्योर वेजिटेरियन होटल ढूंढी है, कैसा लग रहा है? इट इज़ वेरी गुड फॉर नाइट राइडिंग। तो गाइस, जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड टू फिंक्स वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चेक यहीं पे हो रहा है। 3 घंटों से यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश हो रही है। इस गॉगल्स की प्राइस जो है वो 17,60,000 रुपए है। वेरी हैंडसम। तो यहाँ पे 6 मसाज के लिए बेड है, यहाँ पे हमने 4 बुक किए हैं। सो वी ऑल विल से आई लव शाहरुख खान। तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी को फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है, और इस नए व्लॉग में, सेमिनाक के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये जो पीछे आप देख रहे हो, इसी स्पीड बोट पर बैठ के मैं सेमिनाक आया हूँ गिली से। तो भाई साहब, सीन कुछ ऐसा है कि 1 घंटे तो पहले ये बोट लेट आई है, और उसके बाद में बीच में इन्होंने गिली एयर के ऊपर भी एक होल्ड लिया, जहाँ से 20-25 मिनट वहाँ पर भी बिगाड़ दिए। तो कुल मिला के मैं 1.5 घंटा लेट हूँ, और इस वक्त बजे हैं यहाँ पर 2:25, जो कि मुझे इस वक्त अपने होटल में होना चाहिए था। खैर, 1.5 घंटे लेट हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से जो है अब मेरी कैब जो है बाहर खड़ी है, आन ने अब मेरी कैब बाहर भेज दी है, और ओसा उसे लेके आ चुका है, मेरा लगेज लेके भी, जो मैं 3 लगेज यहाँ पे छोड़ के गया था आन के पास। तो अब कैब में बैठेंगे, और यहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर का रास्ता है, यानी 2 घंटे का रास्ता है। तो 2 घंटे में जो है हम इस पोर्ट से अपने होटल रूम एंड वेस्पा सेमिनाक में पहुँचेंगे। तो गाइस, अब चलते हैं, मुझे यहाँ से लगेज भी कलेक्ट करना है, और लगेज लेके सीधे चलेंगे सेमिनाक। सर, मैं अपनी कैप अंदर भूल गया था, और जब बाहर आया पता लगा कि धूप क्यों लग रही है मुझे इतनी, सिर इतना क्यों गर्म लग रहा है। तब याद आया कि मैं मेरी कैप जो है अंदर ही भूल गया। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं पोर्ट के, है ओसा को ढूंढना पड़ेगा। तो ये टैक्सी स्टैंड है मेरे ठीक सामने, यहाँ जाके ओसा ओसा माई फ्रेंड विद मी विद ओसा माई ब्रदर ओसा और योर ब्रदर लकी फॉर मी टुडे मेबी नेक्स्ट टाइम हाँ मस्ती कर रहा था वो, मुझे ऐसे वेलकम कर रहा था जैसे कि मैं उसे जानता हूँ और मुझे जानता है, और मैंने भी उसे ओसा कह के बुला दिया तो मज़ा आ गई दोनों एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। तो लेट्स गो, आई एम वेटिंग फॉर द ओसा। ओह माय ब्रदर, दिस इज द ओरिजिनल ओसा, ही इज बैक नाउ। हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रदर, आई एम फाइन, आई वाज लुकिंग देयर। ओके, सो we have reached guys again on the same place jahan se hum baithe the. aadha din aaj bhi jo hai hamara bigad gaya hai travel mein, aur zyada time nahi bigda, isliye maine ek bahut hi hoshiyari wala kaam kiya hai, wo ye hai ki maine aan ko call karke bol diya ki bhai mere liye 2 scooter ka intezam mere pahunchne ke pehle mere hotel tak pahuncha de, taki aage ka time na bigde। बिकॉज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड स्पेशली ऑन द इंटरनेट, तो बाकी का दिन जो है मुझे शॉपिंग करनी है आज लोकल एरिया में, वहीं होटल के आसपास। और होटल का जो एरिया है वो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, 3 मिनट की दूरी पे बीच है, और आसपास सारी शॉपिंग सेंटर्स है। तो आज का दिन जो है मैंने सिर्फ शॉपिंग और शॉपिंग के लिए रखा है। So guys, we have reached to our destination, room and Vespa 4. तो ये है उसका location. Okay. Wow, देख के जगह तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये heart of the city में है, सब कुछ यहाँ से नज़दीक में। ये देखिए entry करते ही बहुत ही खूबसूरत सा ये swimming pool, और ये सिर्फ 6 room की ये hotel है। मैंने इसे बहुत चूज इसलिए की है क्योंकि ये heart of the city में है, सारे डिस्को सारी शॉपिंग सब कुछ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और रूम जो है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मैंने फ़ोटोग्राफ में देखे थे, और उसका रिव्यू भी मैंने चेक किया था। तो अभी होटल को भी शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसी है, उसका भी एक रिव्यू देता हूँ मैं आपको। लेट्स गो अप।
होटल के रूम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हुई कि यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि एक बेड के ऊपर छोटी सी लीजर्ड आ गई थी, और जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो अंदर से बंद नहीं होता और बाहर भी जो उसका हैंडल है वो काम ही नहीं करता, तो बाथरूम के दरवाज़े में बहुत बड़ी दिक्कत थी। प्लस जो बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन जो है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, वो ढक्कन इसमें था ही नहीं, उस वजह से पूरे रूम के अंदर जो था बहुत ही स्टिंक हो रहा था, बहुत ही गंदी बैड स्मेल आ रही थी। तो ये एक बड़ी दिक्कत मैंने यहाँ पे फेस की है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि होटल में आते ही जो मेरे बाइक्स दोनों रेडी थे यहाँ पे, तो टाइम बहुत बच गया, इस चक्कर में चलो बताता हूँ। दो बाइक्स लिए हैं मैंने, स्कूटर लिए, बाइक्स नहीं कहूँगा, एक है होंडा का 155 cc, ये लाल वाला, जो कि बहुत ही मैचो लग रहा है मुझे और इसमें कंफर्ट बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग ड्राइव के लिए। और दूसरा लिया है ये मैंने रायना के लिए, स्कूटी है 125 cc, इसका प्राइस जो है वो मैंने दिया है 90,000 यहाँ के पर डे के, और 3 दिन के लिए मैंने ये लिया है। और ये जो लाल वाला लिया है मैंने, ये इसका मैंने प्राइस दिया है, इन्होंने 170 कहा था, 1,70,000, पर मैंने ये लिया है 1,60,000 में, करीब 800-900 रुपये अप्रोक्स, और इसके कुछ 500-600 रुपये। तो अब बाइक्स का जो काम है हो गया दोस्तों। तो इस वक्त मेरे साथ में पुट्टू, yes. पुट्टू फ्रॉम बाली सेमिनियाक। तो ये जो बंदा है इसके पास एक से एक बाइक्स है, मैंने भी होंडा की जो बाइक ली है वो इसी से ली है और बहुत ही अच्छे प्राइस में इन्होंने मुझे दी है। तो इनके नंबर जो है स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ मैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। तो जब आप बाली आते हो तो बाइक भी अगर आपको लेनी है रेंट पे, तो आप इस भाई साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ बाइक यू हैव, विच ब्रांड बाइक यू हैव मोर? यस, ब्रांड द ब्रांड द फारियो, द पीछे एक एनमैक एंड स्कूपी, इस वन स्कूपी इट्स वेरी गुड। ओके, सो ऑल टाइप ऑफ स्कूटी अवेलेबल है भाई साहब के पास में, बुक कर लेना, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो है हमें चलना है यहाँ से बाहर, सबसे पहले मनी एक्सचेंज करने हैं, क्योंकि पैसे धड़ 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 यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, शॉपिंग ये वो, खाली बाइक बाइक के मैंने 7,80,000 से दे दिए है, दो बाइक्स के 3 दिन के। होटल के बारे में बता दूँ कि होटल जो है ये वाली जो होटल है, मैंने 30,000 रुपये दो रूम के 4 दिन के 4 नाइट के दिए, 30,000 4 नाइट फॉर 2 रूम्स, तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। होटल के बाहर ही बाजू में है वाइन शॉप, बाजू में है सुपर मार्केट, और अब मनी एक्सचेंज, सबसे पहले मनी एक्सचेंज करेंगे और फिर बाइक को, छोटी छोटी शॉपिंग की दुकानें हैं यहाँ पे, और बस यहीं से होते हुए मनी एक्सचेंज के लिए आगे बढ़ रहे। मनी एक्सचेंज के प्राइस यहाँ पे जो है बहुत कम दिखा रहा है, 15,200 रुपया, जो कि मेरे ख्याल से 15,000 450 होने चाहिए। तो ये देखिए 15,200 जो मेरी प्रॉपर्टी है उससे बहुत ही नज़दीक, 10 कदम नहीं कहूँगा, 100 मीटर की दूरी पर, द सेमिनियाक बीच रिसोर्ट एंड स्पा, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, 5 स्टार कैटेगरी, मे बी 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी, इधर भी 15,200। फिर आते वक्त एक बहुत भारी सीन हो गया, एक आगे मेरे बाइक जा रही थी, पुलिस वाला उससे बैठ के बाइक राइड कर रहा था, एंड ही वॉज ड्रेस लाइक अ फुल्ली लाइक अ बाइक राइडर। तो मैंने अपनी कार के शीशे उतार के उनका एक वीडियो शूट कर लिया, और शूट तो किया, पता नहीं वो किस बात पे नाराज़ हो गया मुझ पर, मुझे नहीं पता, आगे जाके हमारी जो टैक्सी है उसे रुकवा दी, और पता नहीं ओसा से क्या बात कर रहे थे वो, शायद उन्हें डांट रहे थे या पूछ रहे थे कि इन्होंने मेरा वीडियो क्यों निकाला। तो यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने इसे कहा कि मैं एक बाइक राइडर हूँ, मैं भी बाइक चलाता हूँ, तो मुझे आपकी बाइक बहुत अच्छी लगी और आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो था बाइक राइडिंग का पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने कुछ बिना कुछ ज़्यादा कहे उन्होंने मैं छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ओसा का ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो क्लिक किया, गाड़ी का फ़ोटो क्लिक किया, और उसे कहा कि इस तरीके से किसी को वीडियो मत क्लिक करने दो, पुलिस इंस्पेक्टर के। तो ये एक भारी सीन हो गया आज। ये देखिए यहाँ पे सामने बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शंस है, पूरी गली भरी पड़ी हुई है दुकानों से। यहाँ पे अंदर आते ही पता चला कि यहाँ पे ये फ्ली मार्केट है, पूरा फ्ली मार्केट है, तो अच्छी खासी शॉपिंग होने वाली है। यहाँ पर भी देखिए मनी के प्राइस 15,200 ही है, मतलब इस एरिया में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है प्राइस जो है 15,200 के ऊपर कोई नहीं देने वाला। गिव मी $100। सो यहाँ पे सैटरडे संडे जो होता है बैंक बंद होता है, तो सैटरडे संडे को प्राइस और भी कम मिल सकता है, तो डेफिनेटली बाकी के भी मुझे डॉलर आज ही एक्सचेंज करने पड़ेंगे, मार्केट में जाके करेंगे। फिलहाल अब यहाँ से पानी की बॉटल ले लेते हैं, बिकॉज पानी यहाँ पे चाहिए, और ये ग्रोसरी शॉप है देखिए, सो फ्रॉम हेयर वी कैन बाई वाटर बॉटल डा। और एक्वा करके एक ब्रांड है यहाँ पे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है पानी का, ये वाला एक्वा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, फीका टेस्ट नहीं है, तो विल बाय एक्वा वाटर बॉटल, उसका प्राइस भी कम है, तो 8,000 रुपये की 1.5 लीटर की बॉटल है।
करीब 50 रुपये हो गए, 50-60 रुपये डेढ़ लीटर। तो दोस्तों इस वक्त हम आए हैं यहाँ के सबसे पहले शॉपिंग सेंटर में, सनसेट शॉपिंग सेंटर, जिसे कि 5-स्टार रेटिंग मैंने देखा है गूगल पे है। और मैंने यहाँ पे किसी लोकल से पूछा भी है कि यहाँ पे अच्छा शॉपिंग सेंटर कौन सा है नज़दीक में, तो उन्होंने भी मुझे सनसेट के बारे में बताया कि अच्छा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, कैसा अनुभव होता है मेरा शॉपिंग के बारे में। तो दिखा दूँ नज़ारा पीछे का कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, मेरे ठीक के पीछे भी एक कॉफ़ी शॉप है, मेरे आगे भी एक कॉफ़ी शॉप है, राइट साइड में सुपर मार्केट है, एंड सनसेट पॉइंट शॉपिंग सेंटर। ये सारी बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप है, सुपर मार्केट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रूट सब्जी जो भी आपको चाहिए, ग्रोसरी का सामान, सब कुछ सब कुछ। तो बहुत ही ह्यूज ये है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे दूसरा कोई शॉपिंग के लिए ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा, इन्फॉर्मेशन गलत मिल गया था मुझे लग रहा है। अभी अभी उन्होंने यहाँ पे हमें मैंगो टेस्ट कराया जो कि बहुत ही डिलीशियस था। बॉम्बे के मैंगो और यहाँ के मैंगो में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है टेस्ट में, कुछ अलग टेस्ट है। तो तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उसका टेस्ट। चलिए एक बहुत भारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर कॉफ़ी के लवर हो आप, जैसे कि मैं भी बहुत ही बड़ा कॉफ़ी लवर हूँ, बट ये कॉफ़ी तो मैं भी नहीं पी सकता, इससे ख़तरनाक कॉफ़ी मैंने मेरे ज़िंदगी में नहीं देखी। ये वाली जो कॉफ़ी है लुवा कॉफ़ी अरेबिका, ये कॉफ़ी जो है बिल्ली के पूप से यानी कि बिल्ली के पॉटी से बनाई जाती है। इस बिल्ली को कॉफ़ी बीन्स खिलाए जाते हैं और इस पॉटी से जो पॉटी निकलता है उसको रोस्ट करके ये कॉफ़ी बनाई जाती है। और इंडोनेशिया में ये कॉफ़ी जो है बहुत फेमस है, यहाँ के लोग इसे बहुत ही शौक से पीते हैं। क्या आप भी पियेंगे इसे? क्रिशल बोल रही है कि बिग बाज़ार लग रहा है यहाँ का सस्ता वाला, ऑलमोस्ट मुझे भी वैसा ही लग रहा है, सारे होम अप्लायंस और खाने पीने के सामान मिल रहे हैं, कुछ काम का मुझे अभी तक यहाँ पे दिखा नहीं है। ये देखिए, हाँ मुझे भी वही लग रहा है, एक नज़र मार लो फिर निकलो। सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, यहाँ पे सारे जो है हार्डवेयर के सामान हैं, जिम के इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स और ये स्टेशनरी से रिलेटेड। तो ये मॉल जहाँ तक मैं कहूँ आपके काम का हो सकता है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सेफ़, कबर्ड्स, सारी स्क्रू ड्राइवर्स, छोटे छोटे हार्डवेयर के सामान, तो ये सब जो है मेरे काम के नहीं है। तो अब जो है हम चारों यहाँ से निकलेंगे और दूसरे शॉपिंग सेंटर जाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन इस मॉल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ दूसरे एक मॉल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉल है, सेमिनियाक विलेज करके। ये देखिए सेमिनियाक विलेज, और अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पर चल के क्या क्या शॉपिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे अभी एक शॉप मिली है, दैट इज़ आई बॉक्स। बॉम्बे में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, यहाँ पे आई बॉक्स है, यहाँ पे एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अभी आई बॉक्स में एक चक्कर मारेंगे, देखते हैं कि एप्पल के फ़ोन के रेट और एप्पल के आईपैड के और उस मैकबुक के क्या प्राइसेस हैं, अगर कुछ सस्ता मिला तो ज़रूर चांस मारेंगे। ये देखिए आई बॉक्स, सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आई बॉक्स। दोस्तों सिर्फ एक बार कॉस्ट चेक करने के लिए कि यहाँ प्राइस क्या है, तो बॉम्बे में एप्पल का चार्जर मिलता है आपको, सी पोर्ट वाला 20 वोल्ट का चार्जर मिलता है करीब करीब 1900 से 2000 रुपए में, और यहाँ मिल रहा है मुझे 2385। इट मींस कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से यहाँ बहुत कॉस्टली है, तो दिमाग लगा के कोई मतलब नहीं है। लेट्स गो गाइस। तो शॉपिंग के लिए आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मॉल बहुत ही छोटे छोटे मॉल हैं यहाँ पे, एक माला या दो माला, और दो फ्लोर के जो मॉल्स हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं, और जो है वो भी बहुत कॉस्टली है। इस वक्त मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ, एक बार नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे बाली कलेक्टिव करके एक शॉप है, जहाँ पे हो सकता है कि यहाँ का कोई लोकल ब्रांड हो, तो इसे भी एक बार जाएंगे और देखेंगे कि क्या है यहाँ पे बाली कलेक्शन में। और वहाँ पे मेरे ठीक सामने H&M भी है, तो एक चक्कर H&M में भी मारेंगे। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ के लोकल ब्रांड्स के शर्ट दिख रहे हैं मुझे, और ये बिकनी वेयर, स्विम वेयर, ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट ज्वेलरी और लेडीज़ गारमेंट, ज्वेलरी देख लीजिए एक बार। नाउ लेट्स एंटर इनटू द H&M।
देखते कि यहाँ का कलेक्शन मुंबई के कलेक्शन से कुछ अलग है या नहीं, ये भी एक ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए नो कैमरा, सॉरी 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 सॉरी। तो दोस्तों सेमिनियाक विलेज के ठीक पास सेमिनियाक स्क्वायर भी है, ये देखिए। तो अब हम सेमिनियाक स्क्वायर में जाएंगे। तो ये है इसका रास्ता, विल गो इनसाइड एंड विल चेक कि अब यहाँ पे क्या है। वैसे मेरे हिसाब से मैं पूरा एरिया घूम चुका हूँ, शॉपिंग के लिए इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है और जो ऑप्शन है वो बहुत ही महंगा है। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत सस्ता है, बहुत महंगा ऑप्शन है यहाँ पे, सारे ब्रांडेड है यहाँ पे। और फिर बाकी लोकल जो चीज़ होती है वो आपको इतनी पसंद आएगी नहीं यहाँ पे। ये मेरे ठीक सामने ये जो सेमिनियाक स्क्वायर है वहाँ की ये दुकानें हैं, वाइन शॉप भर भर के हैं यहाँ पे, चाहिए उतने ऑप्शंस हैं आपको अल्कोहल में। और ये ठीक मेरे बाजू में स्क्रीन गार्डन। तो कुल मिला के शॉपिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, शॉपिंग का मेरे हिसाब से तो आप फिलहाल दिमाग से निकाल लीजिए, आज का अभी का मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो बस ये भी आपको दिखा दिया, अब चलते हैं यहाँ से आगे। गाइस अभी बजे है 9:18 और जोरों की भूख लगी है, सुबह का लंच भी नहीं किया हमने। तो अभी हमें सेमिनियाक में एक प्योर वेजिटेरियन होटल ढूंढी है जो कि हम सभी इंडियंस की, सभी मुंबईकर्स की खास तौर पे बहुत ही फेवरेट है, एंड दैट इज़ शिव सागर। ये देखिए प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत सी सबकी पसंदीदा जगह अपनी। तो अब यहीं पे आज का डिनर, चलिए। गाइस शिव सागर का फूड जो है अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग, 10 out of 10। मैंने यहाँ पे गोभी मंचूरियन, मसाला डोसा और फ्राइड पापड़, रोस्टेड पापड़ और पाव भाजी सब कुछ मंगाया है। और सच कहूँ ऐसा लगा नहीं कि मैं इस वक्त बाली में हूँ, सेम फूड सेम टेस्ट और सेम मज़ा आ गया। तो ऑल कैन कम एंड एंजॉय द फूड, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस वक्त मैं काइंड कैफे में हूँ और आपने सारे फ़ोटो तो देख लिए होंगे कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है, बट नाम भी जहाँ तक मुझे याद है मैं बोल देता हूँ कि कोई एग्जैक्टली नाम तो मुझे भी नहीं याद है। एक बेरीज से भरा हुआ मैंने फ्रूट बोल मंगाया था, स्मूथी था, और एक मैंने मंगाया था गांधी टोस्ट, बहुत ही अच्छा था, जो कि हमने 2 बार ऑर्डर किया है, उन्हें मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और गांधी टोस्ट के साथ में पम्पकिन का एक, ये देखिए ये साथ में आता है। तो मैंने लाइफ में कभी पम्पकिन खाया नहीं, लेकिन आज पहली बार मैंने ये ट्राई किया है एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक कोकोनट वाटर जो कि मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि पानी इतना मीठा नहीं था, तो यू डोंट ट्राई कोकोनट वाटर वो ईयर। एंड बर्गर मंगाया था हमने एक, और यस पैनकेक, अमेजिंग अमेजिंग पैनकेक, अमेजिंग बर्गर, अमेजिंग गांधी टोस्ट, अमेजिंग दिस फ्रूट स्मूथी, बट कोकोनट वाटर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, मज़ा नहीं आया। पर यह जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पर, आप 2-3 घंटे यहाँ बैठ के चिल आउट कर सकते हो। और एक और अच्छी बात यह है कि पूरा विगन है, तो यहाँ पे कुछ मेन्यू में चिकन भी लिखा हुआ है, एग लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज़ आर्टिफिशियल प्लांट बेस्ड, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। किसी किसी की हिम्मत नहीं होती वो नाम सुन के ही, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो प्योर वेज। आप विगन है तो समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ खाने के पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना है, यू मस्ट कम एंड विजिट दिस प्लेस, एंजॉय। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे स्कूटर लिया है मैंने पूरा दिन घूमने के लिए, तो डे टाइम पे तो मेरे पास गॉगल्स है पहनने के लिए, पर रात को जो है मेरे पास में पहनने के लिए कोई ऐसा गॉगल्स नहीं है ताकि मैं लॉन्ग लॉन्ग राइड कर सकूं। और वाकई मैं यहाँ कल पूरा दिन मैं बाहर हूँ, पूरी रात कल बाहर हूँ यहाँ पे, तो एक ऐसा गॉगल्स चाहिए जिससे मेरे आइज़ में इन्फेक्शन ना हो, मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो ये वाला एक लिया है।
कैसा लग रहा है? इट इज़ वेरी गुड फॉर नाइट राइडिंग. इन्होंने मुझे इसका 300K यानी कि 300,000 रुपए का है, पर अब बार्गेनिंग करेंगे. और मेरी वॉच जो मैंने एयरपोर्ट से ली है, ये वाली पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है शायद इतनी जल्दी, दो ही दिन में. तो भी मैं यहाँ पर बैटरी चेंज कर रहा हूँ, जिसका 50,000 इन्होंने कहा है मुझे, यानी इंडिया के 250 रुपये अप्रॉक्स. तो लेट्स डू इट. तो गाइस, जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड टू फिंक्स वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब. ये देखिए आपके ठीक सामने, और ये यहाँ का सबसे बेस्ट डे क्लब है, जो कि मेरे ख्याल से रात को ठीक या 8 या 9 बजे तक ही होता है. तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर, आपको ले चलता हूँ साथ में. और आज का दिन जो है, दोपहर को हमने बहुत ही 2 घंटे का रेस्ट किया, बिकॉज गर्मी इतनी है कि आप इसको सहन नहीं कर सकते हो. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान जो मेरा आज ये हुआ है कि मैंने अपना मोबाइल माउंट जो नया ख़रीदा 2.5 लाख रुपए में, कल के और परसों के ट्रिप के लिए, वो मेरे हाथ से टूट गया. एक दिन भी, 1 घंटा 1 मिनट भी बिना यूज़ किए. तो ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस है. ओके, कैमरा प्लीज़. ओके, इज दैट ओके? तो सिक्योरिटी चेक हो चुकी है. एनीथिंग एल्स? कैन आई चेक द ट्राइपॉड, दिस वन? व्हाई यू वांट चेक? यू वांट चेक? नो 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 नो, दिस मच, वेरी शॉर्ट. ओके, तो टू मच सिक्योरिटी. सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चेक यहीं पे हो रहा है. ओके, सो नाउ आई मीन इन दिस प्रॉपर्टी. और बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे शॉपिंग के भी ऑप्शंस हैं. तो भाई, ये सारे कपड़े जो है गोवा के लिए तो लेने ही पड़ेंगे मुझे. फिर से बाली में आऊँ ना आऊँ, लेकिन गोवा तो मैं हर साल जाता हूँ. तो ऑप्शंस बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे. और ये देखिए, काफ़ी सारी जो है स्विम वेयर, एक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है. मतलब ज़बरदस्त कलेक्शन है, मैं ये कहता हूँ. आप भी देख सकते हो, अमेजिंग. और ये जो क्लब है, यहाँ का सबसे हैपनिंग डे क्लब है. और आज की शाम जो है मैं यहीं पे स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे बाली आऊँ और प्रिंस में ना आऊँ ऐसा हो नहीं सकता. तो अब चलते हैं क्लब के अंदर, लेट्स गो इनसाइड. यहाँ पे जो मॉनसून करके जो एरिया है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, लेकिन स्विमिंग पूल एक्सेस करोगे तो वापस नहीं आ सकते हो. और इसके ठीक बाजू में ये रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आई मीन ये जो है फिंस वर्ल्ड बेस्ट क्लब, ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे गजीबो बार, गजीबो बार द नेम ऑफ प्लेस, गजीबो बार, यहाँ पे आप बैठ सकते हो. इसके ठीक पीछे लॉकर है, वहाँ यहाँ से आप स्विमिंग पूल भी एक्सेस कर सकते हो और अपना सामान भी यहाँ पे रख सकते हो. और लॉकर का जो प्राइस है यहाँ पे, करीब इन्होंने मुझे बताया कि 4.5 लाख बताया है. इसमें 50,000 रुपीज़ जो है उसका रेंट है, यहाँ का 50,000 रुपीज़, यानी बॉम्बे के हो गए, मुंबई के, इंडिया के सॉरी, 250-300 रुपये. तो एक लॉकर मैं ले लूँगा. और यहाँ पे जो है खूबसूरत माहौल है, फिर क्या, फ्री होके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, आप घूम सकते हो. तो लॉकर लेना बहुत समझदारी की बात है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है. तो सबसे पहले लॉकर ले लिया जाएगा. और हम जो है इस टेबल पे बैठे हैं, और ये आसपास का एरिया देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सा माइंड ब्लोइंग से यहाँ पे व्यू है. और ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए सनसेट जो है आप पूल में जाके स्पेंड करेंगे और वहाँ से इंजॉय करेंगे. चलिए मिलते हैं. अरे लॉकर है यहाँ पे, 50,000 रुपये इनको मैंने रेंट दिया है. और अपने जो लॉकर का नंबर है वो है 2021. तो 2021 2121 2121 2121 2121, ये रहा 21. ओके, दिस इज माई लॉकर. चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो अब सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त यहाँ बजे हैं सुबह के 11:30, और पिछले 3 घंटों से यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश हो रही है. पिछले कुछ दिनों से मैं परेशान था कि यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी थी, पर अब जो है बारिश हो गई है. पर एक्सट्रीम ना हो तो ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम हो गई तो आज का पूरा दिन हम कहीं पर जा नहीं पाएंगे. आज हम रॉक बार करके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैफ़े है, रूफ टॉप है, शाम को 4 बजे वहाँ पर जाने का प्लान है. अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी हम जाके कुछ पार्टी कर पाएंगे. देखिए, आपको पानी के अंदर, ये स्विमिंग पूल के अंदर जो है पानी की बूंदें गिर रही है, बारिश की बूंदें देख के समझ में आता होगा कि यहाँ के हालात क्या हैं. तो अब जो है वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो हम यहाँ से निकले. और आज कृष्णा मार्केट जाने का भी प्लान है. अगर बारिश रुकी तो फर्स्ट विल गो टू द कृष्णा मार्केट, और उसके बाद रॉक बार कैफ़े. See you there.
तो दोस्तों इस वक्त जो गॉगल्स आप मेरे ऊपर देख रहे हो ये यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट लग्जरियस ब्रांड में से एक है एंड दैट इज़ स्टेप्स। तो ये मैंने कल फिंस क्लब में वहाँ पे एक शॉपिंग का छोटा सा एरिया है जहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के गॉगल्स स्विमवेयर सब कुछ मिलता है वहाँ से, तो वहाँ ये जब देखा मैंने तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने इसे बाय कर लिया। प्राइस जो है इस गॉगल्स की प्राइस जो है वो 17,60,000 रुपये है। ठीक सुना आपने, 17,60,000 इंडिया के नहीं, यहाँ के। इंडिया के प्राइस होती है 9,00,000-9,50,000। तो बस आप चलते हैं यहाँ से। सुबह से बहुत ज़बरदस्त की बारिश थी इसलिए मैं घर से निकल नहीं पाया, बट अब जाएंगे, सबसे पहले मनी एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद जो है कृष्णा मार्केट और उसके बाद जो है रॉक बार कैफ़े, तो चलेंगे सीधे वहाँ पे। ये बात बड़ी अच्छी है कि जब हाथ में कैमरा होता है तो लोग सामने से आपको पूछते हैं आर यू ए यूट्यूबर और या कंटेंट क्रिएटर, तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कोई पूछता है तो, और सामने से आपके चैनल का नाम पूछते हैं यहाँ पे लोग। और अभी अभी जो है 4 सब्सक्राइबर मेरे और बढ़ गए, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाली के कृष्णा ओले ओले मॉल में, बहुत ही खूबसूरत सा मॉल है। एंट्रेंस में ही कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति के ऐसे लग रहा था जैसे कि द्वारका पहुंच गए हैं, और फ्लूट की म्यूज़िक यहाँ पे बैकग्राउंड में चालू है। बता दो कि फिर एक बार बाली जो है हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे 80% की जो जनता है पॉपुलेशन जो है वो तो पॉपुलेशन हिंदू राष्ट्र को बिलोंग करती है, हिंदू धर्म को फॉलो करती है। तो ये शॉपिंग मॉल में हम आ चुके हैं, देखिए इसका ये फर्स्ट फ्लोर, कैमरा रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। और मुझे कल रात को मैं कैलाश पर्वत गया था डिनर के लिए, तो कैलाश पर्वत में के जो ओनर है मनीष से मैंने पूछा था कि यार शॉपिंग के लिए कोई अच्छा ऑप्शन बताओ, तो उन्होंने मुझे ये मॉल सजेस्ट किया था। और कल रात को भी बहुत सारे धमाल के गाने गाए हैं वहाँ पे, करियोके नाइट थी, बट कैमरा मैं भूल चुका था तो मैं उसे शूट नहीं कर पाया। और हाँ, कैलाश पर्वत का फूड भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप 4 से 5 आइटम मंगाओगे तो उसका बिल जो है करीब 3,500-4,000 रुपये का बिल आएगा। कल भी रोटी सब्जी दाल चावल और हाँ बस और डोसा, सब कुछ अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और बहुत ही यम्मी था। तो ये भी कैलाश पर्वत की भी आपको मैंने जानकारी दे दी जो कि शिव सागर से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ये मॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि ये मॉल अफोर्डेबल भी है, अच्छा होने के साथ साथ में बहुत महंगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब चलेंगे यहाँ से ऊपर और देखते हैं कि यहाँ से क्या शॉपिंग की जा सकती है। I am from Balinese people. Yeah, this is in Bali we call the star. Yeah, or head cloth. Yeah, head clothes, one of traditional Balinese dress. Yeah, like this. Yeah, this the form traditional Balinese dress. Yeah, when I escort the client, we can using a many colors. But when we go to the temple for praying, yeah, we always the head cloth white color, shirt white color and sarong yellow color. Yeah, because white and yellow we call also holy colors for Hindus. White mean holy, yellow mean welfare or prosperous. Okay, thank you very much. You sing like this. Wow, very handsome. तो भाई साहब अच्छा खासा शॉपिंग का बिल हो गया ये, और टोटल आ गई है 12,90,500 रुपये की यहाँ से शॉपिंग हो चुकी है। यहाँ से हमने कॉफ़ी ली, चॉकलेट्स ली है और कुछ गिफ्ट देने के लिए दोस्तों को बॉक्सेस लिए है, बहुत ही अच्छे खूबसूरत बॉक्स है। बट यही एक जगह है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल शॉपिंग है, तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए शॉपिंग कीजिए। अब चलते हैं, इतना लगेज लेके हमें बाइक पे जाना है, पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, बट वी हैव टू, नो ऑप्शन, लेट्स गो। तो बच्चों को भी मेरा ये गॉगल्स का ब्रांड इतना पसंद आया कि इन्होंने भी यहाँ पे वापस फिंस में आके एक और गॉगल्स उनके लिए बाय किया है। कौन सा गॉगल्स दिखा रहा है? प्राइस 16,50,000 रुपया, इंडिया के हो गए 8,850,000
तो लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। तो गाइस रॉक बार जाने के पहले थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, ज़बरदस्त जोरों की भूख लगी है। तो कांगू पे काइंड कैफ़े है जहाँ पे कल भी हम गए थे, सेमिनार काइंड कैफ़े में गए थे, लेकिन ये कांगू के ऊपर भी एक काइंड कैफ़े वीगन फूड मिलता है, कल भी मैंने वीडियो शूट करके बताया है। ये देख लीजिए फिंस से सिर्फ ये 8 मिनट की दूरी पे है, तो नज़दीक में यही एक अच्छा वेज और वीगन ऑप्शन था जहाँ पे दिल खोल के खाया जा सकता है। तो हम जाएंगे काइंड कैफ़े में, कांगू वाले काइंड कैफ़े में। तो गाइस मज़ा आ गया यार, क्या फूड है यार, क्या फूड है, क्या फूड है। आज हमने एक मैक्सिकन बरेटो भी मंगाया था, कुछ नया ट्राई किया, और वो भी सच कहूँ तो बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। तो 4,39,000 कुछ बिल, यानी कि 2,500-2,600 रुपये, जिसमें 4 से 5 आइटम थी। एक केक पेस्ट्री भी मंगाई थी हमने, ओरियो पेस्ट्री, अमेजिंग। अब प्लान थोड़ा चेंज किया है, अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रॉक बार कैफ़े ना जाके, बिकॉज ऑलरेडी इस वक्त बज चुके हैं 5:20, सनसेट होने की तैयारी पे, और यहाँ से कांगू से जो है वहाँ जाने में करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा। तो इतना टाइम बिगाड़ने के मूड में मैं नहीं हूँ। अब जो है यहीं से ठीक 2 मिनट की दूरी पे, ये सामने के रास्ते से सीधा जो है कांगू बीच है, कांगू बीच पे जाएंगे और बीच पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाएगा। और रिटर्न में जो यही जो पूरी स्ट्रीट जो है आप मेरी तरफ ही देख रहे हैं, यहीं के आसपास काफ़ी सारी शॉपिंग के अच्छे ऑप्शंस भी है, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। रॉक बार जो है वो कल सोचूंगा, कल शाम को प्रॉपर सनसेट के टाइम पे जाऊं। तो अब चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो गाइस। तो भाई साहब यहाँ आने से पहले, बाली आने से पहले थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया था कि कहाँ पे स्टे करना चाहिए, सेमिनार्क में या कांगू पे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिला था, या मुझे ऐसा लगा था कि हमें कांगू पे स्टे करना चाहिए, बट क्योंकि पहली बार आया हूँ मैं भी बाली, तो सेमिनार्क में भी स्टे करना ज़रूरी था, उसके आसपास का एरिया भी देखना ज़रूरी था। जब आप किसी प्लेस पे 2-3 बार चले जाते हो तब आप सारी जगहों को जो है फिल्टर कर लेते हो कि अब मुझे क्या करना है। तो पहली बार था तो मैं यहाँ उतरा हूँ सेमिनार्क में, पर कांगू बीच के ऊपर आके ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये जन्नत है। मैं सीधे शब्दों में अगर आपसे कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये यहाँ का आरंबोल है। आइसोलेटेड है, पब्लिक ज़्यादा नहीं है, बहुत ही क्रीम क्राउड है यहाँ पर, और पानी भी बहुत क्लीन है यहाँ पर, और एरिया जो है थोड़ा सा क्लीन है, हैपनिंग है, कम लोग है, अच्छा क्राउड है। तो यही कहूँगा कि ये गोवा का आरंबोल कह सकता हूँ, और गोवा का आरंबोल भी कहूँगा तो अभी गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ की भी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मोरजिम या अश्वेम से मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ फिलहाल। फिलहाल देखिए मेरे सामने का एक खूबसूरत सा समंदर, कांगू बीच, उस तरफ कुछ शैक्स है मेरे राइट में, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी चालू है, लोग स्विम भी कर रहे हैं, और ये है यहाँ का बीच। तो कुल मिला के जगह जो है बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर वॉक करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे और बैठ के चिल आउट करेंगे आज की शाम कांगू बीच के नाम। चलते हैं। तो दोस्तों बीच से बहुत ही नज़दीक बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। इस वक्त मेरे ठीक सामने बोसोमैन बर्गर है, बहुत ही अच्छा स्पा है, AMO, बहुत ही अच्छा स्पा है। प्राइस कुछ है इंडिया के 1500 से लेके 2500, 3000, 4000 तक के भी अलग अलग यहाँ पे स्पा है, बहुत ही अच्छी स्पा है। मैंने खुद जाके देखा है अभी, पर अभी मेरे पास समय नहीं था तो मैं वहाँ पर जाके स्पा कर नहीं सकता था। और बहुत ही हैपनिंग एरिया है, स्ट्रीट शॉपिंग है, और सारे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से शॉप कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि यहाँ पे लव एंकर करके एक बाज़ार है जो कि बहुत ही अच्छी शॉपिंग मिलती है यहाँ पे। तो अब मैं लव एंकर में एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कि आपके काम को कुछ है यहाँ पे। ये देखिए लव एंकर। तो दोस्तों ये बता दूँ कि 8:30 बजे मॉल बंद भी हो जाता है, और यहाँ पे कोई सस्ती शॉपिंग नहीं है। 17 लाख 18 लाख के यहाँ पे शर्ट है, टी शर्ट है, तो ये 7-8 हज़ार 6 हज़ार की रेंज में है। तो
तो बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, पर शायद कुछ सस्ते में हो भी सकता है, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो सस्ता मिला नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों अब जो प्लान किया है वो ये है कि आज हम लोग स्पा के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है फैब्रिज होटल एंड स्पा, जो कि कूटा में है। और यहाँ से मुझे गूगल मैप पे बता रहा है 8.4 किलोमीटर और 31 मिनट्स, ये देखिए। तो मैंने सुना है कि ये बहुत ही अच्छा स्पा है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है, किसी ने मुझे बताया जो पहले यहाँ पे जा चुका है। तो अब हम चारों आज जाएंगे, करीब 3-3.5 घंटे का स्पा होता है, अलग अलग वैरायटी है, तो हम देखेंगे आज का जो डे टाइम है वहीं पे स्पेंड करेंगे। और शाम को जो है रॉक बार कैफ़े में जाके आज पार्टी करने का मूड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है वहाँ से, तो यही प्लान है। तो अब चलते हैं स्पा के लिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ स्पा, तो मैं फेवरेट स्पा में पहुँच चुका हूँ। एम्पल ऑफ पार्किंग आप मेरे पीछे देख सकते हो, और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली में मुझे लग रहा है कोई रिसॉर्ट है, और उसी के अंदर पूरा ये स्पा बनाया है इन्होंने। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं है, बट लेट्स गो इनसाइड। हम लोग यहाँ से चलेंगे अंदर, बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह लग रही है मुझे। आप मेरे ख्याल से यहाँ पे रूम्स भी है, स्टे भी कर सकते हो, यू स्विमिंग पूल, और यहाँ से हम जाएंगे स्पा के लिए। Here is spa, yeah? Yes. Okay, we want to know about the packages, what you have in spa. For how many person? 4 people. Which one, the packet would you like? Okay. If you want the packet, we have that one. The 3 hours, 4 hours, this 4 hours also, this the 5 hours, including lunch or dinner. Okay. एक और information दोस्तों मैं आपको दे देता हूँ। Spa center से ठीक 2 मिनट की walking distance पे सात्विक करके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। मुझे तो लंच करना नहीं था, बिकॉज मसाज के पहले मैं कुछ खाना चाहता नहीं था, तो मैंने यहाँ पर एक बनाना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ऑर्डर किया था। और मेरे बच्चे और वाइफ जो है सात्विक में गए थे, वहाँ उन्होंने पाव भाजी और क्या मंगाया पाव भाजी के साथ में? मसाला डोसा। पाव भाजी, मसाला डोसा और बस ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें मंगाई। और बिल कितना आया? 3,17,000 1500 रुपया इंडियन करेंसी। फूड अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे वो लोग खा के आ चुके हैं। तो हमने जो मसाज यहाँ पे चूज़ किया है, दैट इज़ द ड्रीमिंग कॉर्ड, द ड्रीमिंग कॉर्ड, ओके, जिसके 22 लाख रुपए है यहाँ के, तो इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो कुछ हो जाएंगे 10,000-11,000 रुपए 4 जन के, जिसमें आपको आउटडोर जकूजी है, एरोमेटिक स्टीम रूम है, और फूड बाथ है, और मसाज 3 टाइप की यहाँ पे, एक बैलेंस मसाज है, एक लोमी लोमी मसाज है, एक स्टोन मसाज है, 3 में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो 1 आवर के लिए। और इसमें है मिनी फेशियल, बॉडी वॉश, बॉडी स्क्रब एंड मास्क, शॉवर, हर्बल टी एंड फ्रेश फ्रूट्स, और बोनस में 3 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, मिनी स्कैल्प एंड हेड मसाज प्लस हेयर वॉश एंड ड्राई। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है मैनीक्योर पेडिक्योर, मैनीक्योर और पेडिक्योर, तो इन 3 में से आपको एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के 4 घंटे का ये पूरा पैकेज है। इतनी कब ज़बरदस्त यहाँ पे धूप है कि बाहर घूमने से अच्छा है कि यहीं पे बैठ के रिलैक्स करें, तो आज का प्लान यही है। तो अब जा रहा हूँ मैं वो मसाज रूम, इनका कॉटेज जो है वो कैसा है, अगर पसंद आ गया तो वी विल फाइनलाइज। ओके, हाँ, 4 अलग अलग बेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 बेड। ओके, इफ मैक्सिमम फॉर 6 पीपल द प्लान इज ओके हियर, इफ 4 पर्सन इज जस्ट ओनली 4 पर्सन। ओके, नॉट विद अनदर, वी विल नॉट पुट अनदर, नो इनसाइड, नो, ओके, या वी वांट प्राइवेट, इट्स ऑलरेडी क्लोज द प्रिपर। तो यहाँ पे 6 मसाज के लिए बेड है, यहाँ पे हमने 4 बुक किए हैं अभी, तो यहाँ पे फिर 5वें 6वें को एंट्री नहीं है। बाहर ही जो है शावर है और जकूजी आउटसाइड, सो अगले 4 घंटे के लिए हम इसे बुक करने वाले हैं, तो लेट्स एंजॉय। तो गाइस, ये 4 घंटे का मसाज जो स्पा जो था, बहुत मज़ा आ गया, पता नहीं क्या क्या लगाया इन्होंने बॉडी पे, कुछ ध्यान नहीं बिकॉज आँखें पूरी बंद थी, और बीच बीच में तो मैंने बहुत अच्छी झपकियाँ भी ले ली है, अच्छी खासी सो गया था करीब 20-25 मिनट के लिए, वो तो पूरी मेमोरी लॉस है, पता नहीं क्या किया।
बट अमेजिंग फील था। बट हाँ ये कहूँगा, अगर रिलैक्सिंग मसाज आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाइए। बट आपको हार्ड कोर जो डीप टिश्यू मसाज कहते हैं वो तो नहीं था, यहाँ पे रिलैक्सिंग मसाज बहुत ज़्यादा था। रिलैक्स होने के लिए अच्छी जगह है, बट जो मेरा टेस्ट है वो ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर आइए, बिकॉज बहुत ही हाइजीन है, सुपर प्लेस है, बहुत ही अच्छा एटमोसफियर है। मसाज के बाद में एक हनी जिंजर लेमन टी, फ्रूट्स और वेलकम जूस भी दिया हमें आने के पहले, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में ये पूरा मसाज स्पा हमने यहाँ पे आज 4 घंटे का स्पेंड किया है। यू मस्ट कम एंड विजिट। सो गाइस, इंडोनेशिया में जितना भी घूम रहा हूँ चारों ओर शाहरुख खान ही शाहरुख खान छाया हुआ है। जहाँ कहीं भी जाता हूँ शाहरुख खान के ही चर्चे हैं। इतना तो मैंने भी कभी उसे पसंद नहीं किया इंडिया में रह के, बट यहाँ शाहरुख खान कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, लोग दीवाने हैं, दीवाने हैं। सो वी ऑल विल से I love Shah Rukh Khan. So, your favorite song? Dil to pagal. Kuchi kuchi ho pale. Salman kuchi kuchi. Kuchi kuchi hota hai. मैंने इनसे पूछा, सलमान खान तो ना बोल रहे, अमिताभ बच्चन तो ना बोले, बट शाहरुख खान के दीवाने पूरे दुनिया में चारों ओर है। चलो गाइस, चलते अब यहाँ से। करीब करीब 39 मिनट्स की वहाँ से राइड थी ये स्कूटी पे, स्कूटर पे, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और जगह इतनी ह्यूज है भाई, जबरान करके एरिया है। और अयाना यहाँ पे होटल है, अयाना होटल के ऊपर जो है ये रॉक बार है। यहाँ इतनी सारी ह्यूज एम्पल ऑफ पार्किंग है। और सच कहूँ दोस्तों, ये देखिए इस तरफ का एरिया पूरा रेस कोर्स टाइप का एरिया है। बॉम्बे के मैं समझता हूँ कि 10 रेस कोर्स कर दूँ तब भी उससे ये बड़ा एरिया है। इतना बड़ा एरिया, अगर आपके पास गूगल मैप ना हो तो अयाना होटल की प्रॉपर्टी के अंदर आके भी आप घूम जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। सच कहूँ तो एकदम ऑन टाइम पहुंच गए, 6:10, मतलब आज का सनसेट हम मिस नहीं करेंगे। और यहाँ का मज़ा यही कि रॉक के ऊपर बैठ के आप वहाँ से सनसेट को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, लेट्स गो इनसाइड। तो चलिए अब आपको मैं इस जगह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो है, आप जो सामने देख सकते हो मेरे ठीक सामने जो राउंड जो है बार, दैट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग ओवर हियर इन द विला, वो वही एक्सेस कर सकते हैं। हम कितना भी पैसा दे वहाँ पे एंट्री नहीं है। दूसरा, आपने आते ही लेफ्ट पे जो देखा था बार, वहाँ पे मिनिमम 5 लाख रुपये पर पर्सन का बिल है, यानी 4 जन के हो गए 20 लाख रुपये, यानी कि 20,000 रुपये का मिनिमम बिल। उसमें आप डिनर कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है। मैंने जैसे ही बाहर पूछा तो मैंने वो मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे साथ में मेरी वाइफ और बच्चे जो बहुत ही पर्टिकुलर है, उनको ज़रा भी 19-20 खाना चलेगा नहीं। और यहाँ का मेन्यू, भले कितना भी वेजिटेरियन का अच्छा मेन्यू हो, वो यहाँ पे नहीं खाएंगे, मैं ये जानता हूँ। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि इसमें है क्या, इसमें ये है, इसमें वो है, तो वो ऑप्शन भी जो है मैंने सेलेक्ट नहीं किया। और ये जो ऑप्शन आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन है। यहाँ पे 300K यानी कि 3 लाख रुपये पर पर्सन, यानी कि 4 जन के हो गए 12 लाख रुपये, 12 लाख, यानी कि यहाँ पर भी आपका मिनिमम बिल आपको 12,000 रुपये तो आना ही आना है। तो ये भी कोई ऑप्शन ख़राब नहीं है। पर यहाँ पे आप डिनर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप ड्रिंक्स और स्नैक्स मंगा सकते हो। स्नैक्स में भी बहुत ही लिमिटेड आइटम है यहाँ पे, बट यहाँ खाना पीना इतना मैटर नहीं करता जितना कि इसका व्यू मैटर करता है। और व्यू इस वक्त ठीक मेरे सामने दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है हम आज सनसेट इंजॉय करने वाले हैं, और मैं आपको भी मेरे साथ में सनसेट यहीं से आज इंजॉय करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आन से। आन है जिसने उबुद के लिए मेरी पूरी आइटनरी बुक की थी यहाँ पे। और उबुद सेमिनार गिली, आपको कहीं पर भी जाना है, किसी भी तरह की कोई भी टिकट्स आपको बुक करनी है, वो भले बोट के टिकट्स हो या आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स के में कहीं पर कार लेके जाना हो, यहाँ पे अगर आपको स्कूटी चाहिए तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, इससे बेस्ट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है ये। और दूसरी महत्व की बात,
जब आप ट्रैवल करते हो तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी। आप अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, या बच्चों को अकेले भी भेजो, तो इससे अच्छा बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा। आप इसे भरोसा कर सकते हो, तभी आन जो है आपको अपने बारे में बताएगा। हेलो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज आन प्रमाना, आई एम द ओनर ऑफ बुगिस बाली टूर एंड ट्रैवल। सो गाइस, इफ यू नीड आवर हेल्प व्हेन यू मेक ट्रैवलिंग इन बाली, यू कैन चेक आवर इंस्टाग्राम इन बुगिस बाली टूर एंड ट्रैवल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आन।